हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। राम राम सा। मिनल्स किचन एंड मोर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बेसन का चीला बनाएंगे जो कि बहुत ही टेस्टी रहता है और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। सो, इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक बाउल लेंगे जिसमें हम लोग बेसन डालेंगे। यहाँ पर मैं एक कप जितना बेसन डालूंगी, ग्राउंड फ्लावर भी कहते हैं इसको। और इसमें मैं ये थोड़ा सा 1 टेबल स्पून जितना जिंजर डाला है, अदरक डाला है जिसको एकदम अच्छे से कद्दूकस कर लिया। आप चाहो तो इसमें लहसुन भी डाल सकते हो। यहाँ पर मैंने अजवाइन के बीज लिए 1/4 टेबल स्पून और जीरा 1/4 टेबल स्पून, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और यहाँ पे हल्दी पाउडर 1/4 टेबल स्पून, बहुत ही थोड़ी डालनी है। लाल मिर्ची पाउडर 1/4 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1/4 टेबल स्पून और नमक जो कि हम स्वादानुसार डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, जो हमारा बेसन का चीला है ये बहुत ही हेल्दी है, फुल ऑफ प्रोटीन और बहुत ही लो कैलोरीज बेस्ड रहता है। और इसमें हम लोग पानी को एकदम हल्का हल्का सा डाल के, थोड़ा थोड़ा सा डाल के इसको मिक्स करेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। और मेरे फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये देखिए, बहुत ही केक जैसा बैटर हो गया, या फिर हम लोग कहेंगे इडली या फिर डोसा जो बैटर बनाते हैं उसके जैसा। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, सो इट लुक्स वेरी डिलीशियस। अब हम इसमें वेजीज ऐड करेंगे, तो यहाँ पर अपनी मनपसंद वेजीज आप डाल सकते हो। मैंने 1/2 कप ऑनियन लिया है, बहुत ही बारीक काट के। यहाँ पर मैंने येलो कैप्सिकम ली है 1/2 कप जितनी, और यहाँ पर गाजर ली है 1/2 कप जितनी। आप अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से डाल सकते हो। और यहाँ पर मैं लेमन जूस डालूँगी 1 टेबल स्पून, या फिर आधा नींबू, और नींबू अगर छोटा है तो आप पूरा 1 यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और वेजीज डालने से हमारा जो बैटर है वो फिर से काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, तो इसमें हम लोग थोड़ा और पानी भी ऐड करेंगे। सो ये देखिए, सारे वेजीज पूरे कोटेड हो चुके हैं। आप चाहो तो ऊपर से स्प्रिंकल भी कर सकते हो जब आप बनाते हो, बट यहाँ पर मैंने सारे अंदर ही मिक्स कर लिए। ये देखिए, पानी और ऐड करना पड़ेगा बिकॉज बैटर थोड़ा थिक हो चुका है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने जो चाट मसाला है वो बाद में ऐड किया है, आप चाहो तो पहले भी ऐड कर सकते हो। तो 1/4 टेबल स्पून जितना मैंने चाट मसाला इसमें ऐड किया है, और एकदम अच्छे से मिक्स हो गया। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, और यहाँ पर लगभग 3/4 कप से भी ज़्यादा पानी हमने यूज़ किया है। और अगर आप इसको और बैटर को पतला करना चाहते हो, आप और ऐड कर सकते हो। अब हम हमारा जो बैटर हमने तैयार किया है वो उसको मैं पोर करूँगी 2 बड़े चम्मच जितना, और इसको एकदम इवनली स्प्रेड कर लेंगे। यहाँ पर मेरा जो फ्लेम है वो मीडियम फ्लेम पर है, तो इसको स्प्रेड करने के बाद इस पर थोड़ा मैं घी डालूँगी, आप चाहो तो ऑयल भी डाल सकते हो। और इसको हम स्लो पे कर लेंगे ताकि नीचे से जले नहीं। और यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई मिंट लीव्स है वो ऐड कर रही हूँ, एकदम अच्छे से क्रश किया मैंने उसको, एंड वो मैं इस पर स्प्रिंकल करूँगी। 2 से 3 मिनट तक पकने के बाद हम इसको फ्लिप ओवर करेंगे। इसमें बहुत ही सावधानी से करना है बिकॉज बेसन का चीला थोड़ा सॉफ्ट रहता है, और इसको एकदम डायरेक्टली आप इसको हिलाइए मत ताकि ये वहाँ पर नीचे से स्टिक ना। और 2-3 मिनट बाद फिर से हम इसको फ्लिप ओवर करेंगे। तो ये हमारा जो डिलीशियस चीला है वो तैयार हो गया है बेसन का, और खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको हम ग्रीन चटनी या मीठी चटनी होती है इमली की, इसके साथ हम ऐड सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। देखिए, यहाँ पर मैं सेम प्रोसेस रिपीट कर रही हूँ। इसको गर्म करके पहले हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, उसके बाद स्लो करेंगे फ्लेम को, और ऊपर घी और पुदीना मैंने स्प्रिंकल किया, वो ऑप्शनल है। उसको फ्लिप ओवर करेंगे। इस तरह से हमारा बेसन का चीला मिनटों में ही तैयार हो जाएगा, सबको पसंद आएगा, बड़े हो या छोटे हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड जस्ट ट्राई इट, और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। थैंक यू।